नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर आंचल पंत, डर्मेटोलॉजिस्ट, और आज डार्क नकल्स या हाथों में जो कालेपन होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये क्यों होता है, इसको कैसे आप कम कर सकते हो, और क्या क्या सावधानी परखनी चाहिए ताकि ये ना बढ़े, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो हाथों के पोरों में कालेपन जो होता है वो क्यों होती है? पहले तो होता है अगर आपका वेट ज़्यादा है, तो अगर आप ओवरवेट है, आपकी BMI 25 से ज़्यादा है, तो ये एरिया में कालापन आ सकती है। फिर अगर आपको एकैंथोसिस नाइग्रिकैंस है, तो एकैंथोसिस नाइग्रिकैंस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसुलिन इनसेंसिटिविटी होती है, मतलब कि आपके जो बॉडी में सेल्स है वो इंसुलिन को ले नहीं पाती, तो बॉडी का जो ऑर्गन पैनक्रियास जो इंसुलिन बनाता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन बनाने लगता है। तो जब बॉडी में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो स्किन मोटा होना और वो फोल्ड्स हो जाते हैं, फिर वहाँ पे कालापन होना और वेलवेट जैसा अपीयरेंस होना, ऐसा देखा जाता है। तो एकैंथोसिस नाइग्रिकैंस में ऐसे कालापन, ऐसे हाथों के पोरों के साथ साथ गर्दन में, बगल के एरिया में, जांघों के एरिया में, ब्रेस्ट के नीचे, ऐसी जगह पे भी देखा जाता है। तो अगर आपको ऐसी जगह पे कालापन है तो प्लीज़ आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या इंडोक्रिनोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए, क्योंकि इसका आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तीसरा कारण है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। अगर आपके बॉडी में विटामिन B12 की कमी है तो भी एरिया में कालेपन दिख सकता है। ये ज़्यादातर वेजिटेरियंस में देखे जाते हैं, क्योंकि विटामिन B12 एनिमल प्रोडक्ट्स में मिलता है, तो नॉन वेजिटेरियंस को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने के चांसेस कम होते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन चांसेस कम होता है। कुछ माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, मतलब कि आपकी स्टमक में इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं हो रहा जो भी आप खाना ले रहे हो, उसकी वजह से भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो अगर आपके ऐसे हाथों में कालापन है तो आप ज़रूर अपने विटामिन B12 लेवल्स चेक कराएं। विटामिन B12 की सप्लीमेंट्स लेने के बाद ये कालेपन में काफ़ी हद तक सुधार मिलता है। चौथा कॉज होता है सोरायसिस और एक्जिमा। सोरायसिस और एक्जिमा ऐसे हाथों के ऊपर और कोनों में, घुटनों में देखा जाता है, और जब सोरायसिस ख़त्म हो जाता है तो वो यहाँ इसी जगह पे काले धब्बे छोड़ के जाता है। और एक्जिमा भी ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है, ये भी ऐसी जगह पे होता है, और ये जब चला जाता है तो वो भी कालापन छोड़ के जाता है। तो जब भी आपके नकल्स के एरिया में कालापन हो तो सोरायसिस और एक्जिमा को रूल आउट करना ज़रूरी रहता है। पांचवा कॉज होता है फ्रिक्शन या हैबिचुअल रबिंग। अगर आपको आदत है हाथों को रगड़ने की और आपका काम ऐसा है जिसमें ये हाथ में ज़्यादा रगड़ लगती है, उसकी वजह से भी इस एरिया में कालेपन आ सकती है। बार बार रगड़ लगने की वजह से स्किन में चोट पहुंचती है और नया स्किन बनाने की कोशिश करती है, फिर वो थोड़ा मोटापन आना वहाँ पे और गाढ़ा कलर का होना, ऐसा होता है। तो इसीलिए आप अगर ऐसे ग्लव्स पहनते हो या ऐसी चीज़ें करते हो जिसपे यहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन लगती है, तो भी उसके कारण से भी ये कालापन हो सकती है। फिर होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब कि कोई कारण के बिना ही इस एरिया में कालेपन होना। तो ना ही आपको एक्जिमा सोरायसिस है, ना ही आप ओवरवेट हो, फिर भी ऐसे एरिया में कालापन देखा जा सकता है। ऐसे यूजुअली परिवारों में देखा जाता है, अगर आपके माता पिता के भी ऐसे हाथों में कालापन है तो आपको भी ऐसे हो सकता है, तो ये यूजुअली फैमिलीज़ में रन करती है, तो ये भी एक कारण होता है कालेपन का। तो हम इसको कैसे सुधार सकते हैं? तो पहले तो कारण पता करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बोला, अगर ओबेसिटी है तो आपको वेट कंट्रोल करनी पड़ेगी, अगर एकैंथोसिस नाइग्रिकैंस है तो इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने की दवाइयाँ आप ले सकते हो, अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो सप्लीमेंट्स लेके ये इम्प्रूव हो सकता है, अगर सोरायसिस और एक्जिमा है तो इसमें वो क्रीम्स लगा के और मॉइस्चराइजर्स इस्तेमाल करके वो सोरायसिस एक्जिमा को कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर आपको फ्रिक्शन है तो वहाँ पे मॉइस्चराइजर्स आप रेगुलर बेसिस में इस्तेमाल करोगे और थोड़ा सा हैबिट चेंज करोगे तो भी वो कालापन कम हो सकती है। तो ऐसे क्या क्रीम्स है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो इसको बेटर करने के लिए? आप मॉइस्चराइजर्स में ग्लाइकोलिक एसिड, यूरिया और लैक्टिक एसिड जैसे इंग्रेडिएंट्स को देखें। ये यूरिया और लैक्टिक एसिड एक्चुअली स्किन को मॉइस्चराइज करता है और जेंटली एक्सफोलिएट करता है, जो ऊपर का काला स्किन है उसको हटाता है ताकि नीचे का जो लाइट कलर स्किन है वो एक्सपोज हो। तो आप ऐसे मॉइस्चराइजर जिसमें यूरिया और लैक्टिक एसिड हो वो आप अपने हाथों में इस्तेमाल कर सकते हो दिन में 2 बार। मेरे कुछ रिकमेंडेशंस है ज़ीरो क्लियर क्रीम और ज़िरीना क्रीम। ये दोनों क्रीम्स काफ़ी अच्छे हैं आपके कालेपन, अगर हाथों में पैरों में कालेपन है उसको कम करने के लिए, इसको दिन में 2 बार इस्तेमाल आप कर सकते हो।
आप कुछ ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड क्रीम्स भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि GP12 क्रीम और ग्लाइको12 क्रीम और ग्लाइहा क्रीम। ये क्रीम्स आप रात के टाइम पे जहाँ पे कालापन है वहाँ पे लगा के सोइए, फिर इसके नियमित इस्तेमाल से इसके कालेपन में काफ़ी हद तक सुधार मिलेगा। आप डीमेलाइन क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हो। डीमेलाइन क्रीम में ग्लाइकोलिक एसिड के साथ साथ कोजिक एसिड और आर्बिटिन भी होता है, ये भी ये कालेपन को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। ध्यान रहे कि ये क्रीम्स आपको रेगुलर बेसिस में नियमित रूप से इस्तेमाल करना है। आपको इसमें 3 से 4 महीने लगेंगे इम्प्रूवमेंट दिखने में, फिर उसके बाद आप रेगुलर बेसिस में कंटिन्यू करोगे तो इसमें काफ़ी हद तक सुधार आएगा। तो क्या ऐसी सावधानियां हैं जो आपको परखनी चाहिए जब आपके काले हाथ हैं? तो आप हमेशा एक जेंटल सोप इस्तेमाल करें जो ग्लिसरीन बेस्ड सोप हो। हैंड वॉशेस का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, उससे स्किन और ड्राई हो सकती है, इसमें खुजली होने का चांसेस और कालापन होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमेशा एक ग्लिसरीन बेस्ड सोप ही इस्तेमाल करें। हाथ धोने के बाद आप बहुत हल्के से अपने जो पानी है उसको हटाएं, एकदम रगड़ के टॉवल से अपने हाथ को ना पोछें, इससे भी स्किन में और ज़्यादा इरिटेशन हो सकती है। फिर आप हाथ धोते हो तो तुरंत उसके बाद आप एक मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं। अगर आप ऐसे काम करते हो जिसमें बार बार हाथ धोना पड़ता है या आपको आदत है बार बार हाथ धोने की, तो भी आप हर बार जब आप भी हाथ धोते हो तो तुरंत एक मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं। इससे आपकी स्किन ड्राई नहीं रहेगी, स्किन की बैरियर मेंटेन रहेगी और कालेपन में अभी आपको काफ़ी हद तक सुधार मिलेगा। तो ये था छोटा सा वीडियो काले हाथों के ऊपर। अगर आप ये सब फॉलो करोगे तो ज़रूर आपको इसमें सुधार मिलेगी। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इससे कुछ सीखने को मिला। अगर आपको ऐसे स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप हमें हमारा इंस्टाग्राम हैंडल डॉक्टर आंचल MD में फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर मैं हर रोज़ ऐसे स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोज़ पोस्ट करती हूँ। हमारा ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।